मोर इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे आकर्षक और खूबसूरत पक्षियों में से एक है, किंतु हमें इस मनमोहक पक्षी के बारे में बहुत से दिलचस्प बातें नहीं मालूम। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम रूबरू होते हैं मोर के विषय में कुछ रोचक जानकारियों से। पंखों को फैलाए हुए मोर को कार्तिकेय का वाहन माना जाता है। मोर अथवा मयूर एक पक्षी है जिसका मूल स्थान दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में है। ये ज्यादातर खुले वनों में वन्य पक्षी की तरह रहते हैं। नीला मोर भारत और श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है। बरसात के मौसम में काली घटा छाने पर जब यह पक्षी पंख फैलाकर नाचता है तो ऐसा लगता है मानो इसने हीरो से जड़ी पोशाक पहनी हुई हो। इसलिए मोर को पक्षियों का राजा कहा जाता है। पक्षियों का राजा होने के कारण ही प्रकृति ने इसके सिर पर ताज जैसी तिलंगी लगाई है। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर ही है। मोर भारत तथा श्रीलंका में बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है। मोर मूल रूप से एक वन्य पक्षी है, लेकिन भोजन की तलाश में ये कई बार मनुष्य के निवास स्थान तक भी आ जाता है। मोर प्रारंभ से ही मनुष्य के आकर्षण का केंद्र रहा है। अनेक धार्मिक कथाओं में मोर को उच्च कोटि का दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म में मोर को मार कर खाना महापाप समझा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में लगा मोर का पंख इस पक्षी के महत्व को दर्शाता है। खूबसूरत मोर पीकॉक नर पक्षी है, जबकि मादा पक्षी को मोरनी अथवा पीहन कहते हैं। दोनों को मिलाकर पी फाउल कहते हैं। मोर की केवल 3 ही प्रजातियां होती हैं। इनमें से 2 एशिया की और 1 अफ्रीका की है। अफ्रीकी प्रजाति को कांगो पी फाउल कहते हैं, जबकि एशिया की प्रजाति को ब्लू इंडियन पी फाउल या ग्रीन पी फाउल भी कहते हैं। ये पक्षी पहले जंगलों और वर्षा वनों में रहते थे। यह प्राकृतिक आवास आज भी मोरों के लिए सबसे सुखप्रद है। पालतू मोर 50 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, जबकि जंगलों में जहां उनका जीवन लगातार संकट में होता है, इसलिए जंगलों में मोर मोरनी का सामान्य जीवन काल मात्र 20 वर्ष का होता है। मोर मोरनी से 2 गुना बड़ा होता है। नर मोर की लंबाई लगभग 215 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई लगभग 50 सेंटीमीटर होती है। मादा मोर की लंबाई लगभग 95 सेंटीमीटर की होती है। मोर का वजन करीब 6 किलो हो सकता है। नर और मादा मोर की पहचान करना बहुत आसान है। नर के सिर पर बड़ी किलंगी तथा मादा के सिर पर छोटी किलंगी होती है। नर मोर की पूंछ पर लंबे और सजावटी पंखों का एक गुच्छा होता है। मोर के इन पंखों में चंदों की संख्या 150 के लगभग होती है। मादा पक्षी के पंखों में ये चांद नहीं होते। वर्षा ऋतु में मोर जब पूरी मस्ती में नाचता है तो उसके कुछ पंख टूट जाते हैं। वैसे भी वर्ष में एक बार अगस्त के महीने में मोर के सभी पंख झड़ जाते हैं। ग्रीष्म काल के आने से पहले ये पंख फिर से निकल आते हैं। मुख्य तौर पर मोर नीले रंग में पाया जाता है, किंतु यह सफेद, हरे और जामुनी रंग का भी होता है। मोर की मनमोहक सुंदर पूंछ को ट्रेन कहते हैं। मोर प्रजाति में मोर की आंख के चारों तरफ की त्वचा पर रोवा नहीं होता। यह मोर मोरनी दोनों में तथा मोर की प्रत्येक प्रजाति में ऐसा ही होता है। मोर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं। यदि आप कभी मोर को वृक्षों की शाखाओं में उड़ते देखें तो चौंकिए मत, क्योंकि मोर पर भक्षियों से शिकारियों से बचने के लिए ऐसा करते हैं। मोर सब कुछ खाते हैं और ज्यादातर पौधों के हिस्से, फूलों की पंखुड़ियां, बीज, कीड़े मकोड़े, छिपकली, दीमक, चूहे और अन्य ऑर्थोपोड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस को खाते हैं। भारतीय मोर सांप को भी खाते हैं। इसी कारण मोर किसान के मित्र पक्षी कहे जाते हैं। जंगलों में मोर सुबह और शाम के समय चारे के लिए पत्तों में, घास में चुगते हुए दिखाई दे जाते हैं। मोर अकेले रहना पसंद नहीं करते।
ये पक्षी बहुत सामाजिक होते हैं। समूहों में रहना इनको पसंद है और ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। मोर के परिवार को हरम कहते हैं। जंगलों में रहने वाले मोर का एक ही जीवन साथी नहीं होता, अपितु मोर के साथ कम से कम दो या तो पांच या फिर पांच से भी ज्यादा मोरनी हो सकती है। इसका कारण ये है कि मोरनी मोर के बड़े शरीर, रहने के बड़े क्षेत्र, सुंदर चमकदार पंखों और लंबी पूंछ के आधार पर उसे पसंद करती है। इसलिए सुंदर मोर के साथ एक से अधिक मोरनी होती है। मोरनी को वो मोर पसंद आता है जिसके ज्यादा सुंदर पंख हो, उनमें उसे ज्यादा संख्या में और बड़े बड़े नीले चांद और उसकी पीहू पीहू की मधुर आवाज मोरनी को बहुत पसंद आते हैं। जिस मोर की छोटी पूंछ हो, चांद थोड़े हो और उसकी पीहू की आवाज पसंद नहीं आए, उस मोर को मोरनी नकार देती है। मोर को वसंत में प्रजनन के मौसम के दौरान अपने चमकदार सुंदर पंखों को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है। जब मोर अपने पंखों को पूरा खोलकर नृत्य करता है तो उस पंखे का अर्धव्यास 5 फीट तक का होता है। मोरनी मोर की आंसू पीकर गर्भ धारण नहीं करती। मोरनी सभी सामान्य पक्षियों की तरह गर्भ धारण करती है और अंडे देती है। मोरनी मोर के आंसू पीकर अंडे देती है, यह बिल्कुल असत्य है और मनुष्य की कल्पना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मोरनी जनवरी और मार्च के बीच अंडे देती है। एक मोरनी एक बार में 6 अंडे दे सकती है, हालांकि कभी कभार इससे ज्यादा अंडे देने के मामले भी सामने आए हैं। मोरनी अधिकांशतः दोपहर में ही किसी सुरक्षित स्थान पर अंडे देती है। मोर के बच्चों को चिक्स कहते हैं। मोर का बच्चा 28 दिनों में अंडे से बाहर निकलता है। इस बच्चे का वजन मात्र 100 ग्राम होता है। जन्म के एक दिन बाद ही मोर का बच्चा चलने फिरने और खाने लायक हो जाता है। मोर के बच्चे जब अंडों में से निकलते हैं तब न तो उनके सुंदर पंख होते हैं और न ही उनकी नीले चांद वाली पूंछ होती है। मोर 3 साल की आयु पर पहुंचकर खूबसूरत वयस्क बन जाता है। प्रत्येक वर्ष जब वसंत का मौसम नजदीक आता है तो मोर मोरनी को जितना संभव हो उतना प्रभावित करने का प्रयास करता है। अपने पंख और लंबी पूंछ को प्रदर्शित करने के अतिरिक्त मोर अपने क्षेत्र की रखवाली भी करता है और अन्य मोरों को भगाने के लिए जोर शोर से पीहू पीहू की आवाज करता है। मोर के झिल्लीदार पैर नहीं होते जिसके कारण मोर को तैरना नहीं आता और मोर पानी में डूब जाता है। 2000 से भी अधिक वर्षों से मोर को मनोरंजन के लिए या तो धार्मिक कारणों से दुनिया भर में कैद रखा जाता है। मोर की पूंछ 6 फीट लंबी हो सकती है और यह उसके पूरे शरीर का लगभग 60% होती है। इतनी लंबी भारी पूंछ होने के बावजूद भी मोर कुछ दूरी के लिए ही उड़ सकता है, ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता। मोर प्रजनन के बाद अपने आप अपने पंखों को छोड़ देता है और तब उन पंखों को लिया जा सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश मनुष्य को प्रत्येक प्राणी के साथ छीना झपटी की आदत पड़ गई है और मनुष्य इस अत्यंत रूपवान पक्षी को उसके सुंदर पंखों के कारण मार डालता है।